क्या मनीषा की इज्जत नहीं करते हैं अल्विश यादव? क्या मनीषा से हो गए हैं परेशान? बिल क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। अल्विश यादव को बिग बॉस के ओटीटी के सीजन 2 में देखा गया था। इस शो में अल्विश यादव काफी अच्छा गेम खेल रहे थे और वो एक वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट भी थे। शो में आते ही गेम का डायमेंशन एकदम से बदल गया था और वो शो के विनर भी बने थे। ऐसे में अल्विश यादव को शो के अंदर मनीषा के साथ बॉन्ड क्रिएट करते देखा गया था। मनीषा और अल्विश एक साथ खूब टाइम स्पेंड किया करते थे और दोनों को एक साथ देख इनके फैंस इन्हें अल्विशा कहते नजर आते थे। शो खत्म होने के बाद भी इनका एक गाना आया और जिसमें अल्विश और मनीषा की केमिस्ट्री को ऑडियंस ने खूब पसंद किया। अब अल्विश यादव अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं और मनीषा रानी झलक दिखलाजा में। जी हाँ, झलक दिखलाजा में मनीषा अपने डांस और मूव से झंडे गाड़ रही हैं। मनीषा रानी के डांस को देखकर उनके फैंस उन पे दीवाने हो गए हैं, भर भर कर उन्हें वोट्स कर रहे हैं, सपोर्ट दिखा रहे हैं और खूब सारा प्यार दे रहे हैं। वहीं अब मनीषा रानी फाइनल्स पे पहुंच गई हैं और ऐसे में मनीषा रानी को वोटों की सख्त ज़रूरत थी। उनके फैंस उन्हें खूब सपोर्ट कर रहे थे, खूब वोट कर रहे थे। उनके फ्रेंड्स उनके लिए खूब सारे वोट कर रहे थे, वोट अपील करते नजर आ रहे थे। ऐसे में हर किसी की नज़रें अल्विश यादव की तरफ थी। सबको लग रहा था कि शायद अल्विश यादव मनीषा को सपोर्ट करेंगे, हो ना हो आखिरी दिन तो ज़रूर अल्विश का एक सपोर्ट आएगा ही। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और अब वोटिंग लाइंस पूरी तरीके से बंद हो चुकी है और अब फाइनल रिजल्ट आने वाला है। ऐसे में अल्विश यादव जो हैं उन्होंने मनीषा रानी को लेकर कोई पोस्ट शेयर ही नहीं किया। उन्हें एक बार मनीषा के बारे में बात करते देखा गया था। एक चैट शो में अल्विश यादव ने मनीषा को लेकर कहा कि वो झलक दिखलाजा में है, काफ़ी अच्छा डांस कर रही है, मैं शो नहीं देखता पर मैं छोटे छोटे प्रोमोज देखता हूँ, रील देखता हूँ और मुझे उसमें उसका डांस बहुत अच्छा लगता है और मुझे तो ये पहले से ही लगता था कि वो डांस में कुछ ज़रूर अच्छा करेगी और अब वो झलक दिखलाजा कर रही है, मेरी तरफ से बेस्ट विशेज। इस तरीके की बात बोलते अल्विश नज़र आए थे मनीषा रानी के लिए, पर उन्होंने अपना सपोर्ट नहीं दिखाया। और जब अल्विश ने सपोर्ट नहीं दिखाया तो मनीषा के फैंस जो थे वो बेहद नाराज़ हो गए। वो अल्विश की पोस्ट पर जाकर उन्हें खूब ट्रोल करने लगे, उनसे ये कहने लगे कि अल्विश यादव ने अपनी दोस्ती दिखा दी। एक तरफ वो हर व्लॉग में मनीषा के कमेंट को पढ़ते हैं और रिप्लाई भी देते हैं और कहते हैं कि वो मेरी दोस्त है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, और दूसरी तरफ उसी दोस्त को जब सपोर्ट की ज़रूरत थी तो सपोर्ट नहीं किया। अगर यही अल्विश यादव होते तो मनीषा ज़रूर सपोर्ट करती। मनीषा आज भी अल्विश यादव के पोस्ट को लाइक कर देती हैं, बिना सोचे समझे कि बात हो ना हो उसने लाइक किया नहीं किया। पर अल्विश यादव ने मनीषा को सपोर्ट करने से पहले 10 बार सोचा कि क्यों करूं, किस लिए करूं, क्या ज़रूरत है, और आखिर इसी वजह से उन्होंने मनीषा को सपोर्ट नहीं किया। और अब जब मनीषा की वोटिंग लाइंस बंद हो गई है तब अल्विश यादव को मनीषा फैंस खूब ट्रोल कर रहे हैं कि अल्विश यादव ने मनीषा के सपोर्ट में एक भी पोस्ट नहीं शेयर किया और जिससे उन्होंने इतना तो ज़रूर दिखा दिया कि उन्हें मनीषा की ना तो फिक्र है और ना ही वो इज्जत ही करते हैं। बिल क्या कह रहे हैं आपका इस रिपोर्ट पर, क्या आपको भी लगता है कि अल्विश इतने ज़्यादा बिजी थे कि उन्होंने मनीषा के लिए एक पोस्ट भी शेयर नहीं किया? हमें कॉमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएँ।